आज 5 जुलाई योम सयाह। आज के दिन एक आमिर ने, जनरल ज़ियाउल्लाह ने एक जमहूरी हुकूमत का, एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, जो इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हुई थी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की क़यादत में, उसका आज के दिन तख्ता उल्टा गया। भुट्टो का तख्ता उलटकर किसान, मजदूर, गरीब आवाम की उम्मीदों को एक दफा फिर चिराग रोशन बुझाने की कोशिश की गई। आज के दिन पाकिस्तान पीस पार्टी के जाले ये समझते हैं कि 5 जुलाई वो दिन था जिस दिन मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले वज़ीर आज़म को तख्ता एदार पर चढ़ाने का इकदाम शुरू किए गए। ये भुट्टो का तख्ता नहीं उल्टा गया, असल में गरीब मजदूर किसान और तालिब इल्मों के आवाज़ दबाने के लिए इकदाम किए गए। भुट्टो ने आवाज़ दी मजदूर किसान तालिब इल्मों को 5 जुलाई को, ये जो ज़ियाउल्लाह ने इकदाम किए वो उस आवाज़ जो भुट्टो ने दी थी आवाम को उसका उसको दबाने के लिए इकदाम हुए। अय्यूब खान की औलाद हो, याह्या खान हो, परवेज मुशर्रफ हो और आमरियत के ये लोग पैदावार हों, सब ने मिलकर पाकिस्तान की आज जिस नहज पहुँचा है, ये सब 5 जुलाई 1977 को उसकी फतह हुई थी। और हम समझते हैं कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में, बिलावल भुट्टो की क़यादत में हम जिस तरह 18वीं तरमीम लाकर आइन बहाल किया गया, इस तरह गरीबों की आवाज़ को भी एक दफा फिर ऐवानों में जो पहुँचाया गया है। टाउन चेयरमैन नज़र नहीं आ रहे, यूसी चेयरमैन नज़र नहीं आ रहे, पार्टी लेवल का अगर ये था, क्या उन लोगों ने पार्टी के फैसलों से इख्तलाफ करके इसमें शिरकत नहीं की? असल में 5 जुलाई 1977 योम सयाह का दिन है। अब आप वीडियो से अपने कैमरे से वीडियो बनाएं, खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी कितने चेयरमैन खड़े आज, अपनी अपनी नज़र से देखें, इस आंख से देखें नज़र आएंगे। आज 5 जुलाई योम मजम्मत है आमरियत की, और आमरियत के पैदावार जो ज़ियाउल्लाह ने किए, मुशर्रफ ने किए, उनकी मजम्मत का दिन है। जिए भुट्टो, जिए बिलावल, जिए बेनज़ीर।